शक्ति विधानसभा क्षेत्र से गोडवाना गणतंत्र पार्टी प्रत्याशी भीम पटेल ने पत्रकारों से चर्चा की, जहां उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने छत्तीसगढ़ियों से सांप छल किया है, जहां कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी लाकर घर घर शराब पहुंचाई। के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के सब भाइयों मल्ला एक संदेश देना चाहूँ कि आज जो भाजपा और कांग्रेस के जो सत्ता है तेरा पूरा शराबबंदी के एक वादा करके छत्तीसगढ़ वादा करके हमारे छत्तीसगढ़ में इतना बड़े बड़े जो वादा करते हैं और आज जो चीज पूरा भी नहीं कर पाते हैं, शराबबंदी के भी वादा करी, शराबबंदी के वादा करे के बाद में भी आज बंद नहीं हो पाई शराबबंदी। और ये जो महिला मन के जे जगह उल्टा पुल्टा मन के ये होते बलात्कार होते, हमारे यहाँ तक के प्रशासन तक भी हमारे साथ बैठे हैं और आज जे दारू पीने वाला बंद करवाए के लिए वो आज आगे बढ़ी, आज वही चीज हर घर पहुंचे थे, घर घर में जाकर वो शराबबंदी होते हर गांव में बना थे, आज ये चीज बंद नहीं हो पाते। मैं ये बोलना चाहूँ माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये बोलना चाहूँ, आज अगर हमारे सत्ता अगर आई तो ये चीजला बंद करवाए के जवाबदारी हम ले रहा, हमारे सरकार हम ले थे और हम लेबो, अगर हमारे प्रशासन और सत्ता हमारा आई तो बिल्कुल हमारे ना बिल्कुल इलाम बंद करेंगे इसके माध्यम।